मुसलमान भाइयों को और उनके परिवार को हमारे एजेंसी पुलिस स्टेशन की तरफ से ईद रमजान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यूसुफ मुकाती साहब का जो रोटी बैंक है वो जो समाज कार्य कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ये इसके लिए उन्होंने जो कुछ प्रयास किया है वो भी हम सीखने जैसे बाती है और मैं उनको आगे के कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ईद की एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ और रोटी बैंक का काम जो है किस तरीके से लोगों का भला हो, तो रोटी बैंक ये काम हमेशा कम से कम 10-15 साल से उनका काम चालू है। 27,000 कपड़े बांटने का काम करे और मैं चाहता हूँ कि हर महल्ले में रोटी बैंक होना चाहिए। राजकारण तो लोग करते हैं लेकिन आज अगर सही जरूरत है तो समाजकारण की जरूरत है। आज जो मुकाती साहब जैसे लोगों को मैदान में आना पड़ेगा और लोगों की भरपूर मदद करना पड़ेगा और मैं हमेशा रोटी बैंक के साथ हूँ और उन लोगों के साथ है जो गरीबों के आम आवाम के साथ खड़े हुए, मैं पूरी मदद उनके साथ में है और हमारे से जो होता हम भी जो है तो छोटे मोटे काम जो है तो आम लोगों के लिए करते हैं। बस इतना बोल के मैं अपने दो बात खत्म कर दिया। देखिए, रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट जो यूसुफ मुकाती साहब चलाते हैं ये काफ़ी दिनों से चलाते और एक समाज में अच्छा मैसेज देते और समाज में अच्छा काम करते, इसलिए मैं हमारे औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले रमज़ान के, ईद उल फितर के, ईद के अवसर पे मैं सभी हमारे शहर के वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, रोटी बैंक की जानिब से, सेवा टूर्स की जानिब से हमारी यूसुफ मुकाती ये हर साल कई साल से मैं देख रहा हूँ और ये साल भी उन्होंने 27,000 कपड़ों के जोड़े बांटने का प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे PI जिनसी के अशोक भंडारी साहब, हमारे शहर अध्यक्ष यूसुफ भाई और यूसुफ मुखाती की सारी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं और जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको ये कपड़ों के जोड़े देकर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होती है। मैं अपनी जानिब से, अपनी फैमिली की जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूं और आने वाले रमज़ान की ईद की सभी मेरे तमाम शहरियान औरंगाबाद के नौजवान साथी, बुज़ुर्गों, माँ बहनों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और सभी को एक बार अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, मुबारक हो। आज जो है तो हमने रमज़ान के मौके के ऊपर कपड़े का वाटअप का प्रोग्राम रखा था और ये कपड़े पूरे हिंदुस्तान से मदद आती है रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट को, उसी का नज़ारा आप देख रहे हैं कि 27,000 जोड़ी कपड़े का वाटअप आज किया गया है जिसके अंदर जो है तो हमारे व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष खुद आए थे और आपके जो है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आए थे, हमारे जो है तो जिला अध्यक्ष भी आए थे हमारे पास के, कुछ डिपार्टमेंट के लोग थे और अफसर खान साहब भी हमारे बीच के अंदर मौजूद थे। और अभी जो आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम 2 दिन चलने वाला है, आज और कल। ये प्रोग्राम कल 11 बजे से 5 बजे चलेगा और अभी 11 बजे शाम में 5 बजे चलेगा। तो हमारी जनता से अपील है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए ताकि हमने जो एक महीना मेहनत करे और मेहनत का परिणाम आपके सामने है। अगर कोई संस्था मेहनत करती है दिल से तो अच्छा काम हो सकता है। ये एग्जाम्पल रोटी बैंक है और आपको पता है कि हम पूरे 365 दिन काम करते हैं और उसका फायदा आज तमाम जनता को इसका फायदा हो रहा है।